इसी के साथ ही बलौदा बाजार से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि INS 24/7 की खबर का असर सामने आया है। बता दें कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर यहां पे दिखा रहे हैं, कोदवा गांव में 22 लाख के धान घोटाले पर कार्रवाई होगी। सहकारिता विभाग के जांच अधिकारी कोदवा गांव पहुंचे हुए। आगे आपको बता दें कि जांच अधिकारी AK सूर्यवंशी निपानिया पहुंचे। सहकारी समिति किसान ने सोसाइटी कर्मचारियों से मिलकर घोटाला किया था। बता दें कि कोनी धान उपार्जन केंद्र में फर्जी तरीके से धान को बेचा गया था। बड़ी खबर यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें कि फर्जी तरीके से धान को बेचने का मामला सामने आ रहा है। किसान ने सोसाइटी कर्मचारियों से मिलकर घोटाला किया था। बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, कोनी धान उपार्जन केंद्र में फर्जी तरीके से धान जो है वो बेचा गया था। ये खबर सामने आ रही है। INS 24/7 की खबर का असर साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है। बता दें कि जांच के बाद ही आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है, एक बार फिर बता दें कि कोदवा गांव में 22 लाख के धान घोटाले पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई का निर्णय यहां पे लिया जाएगा। सहकारिता विभाग के जांच अधिकारी कोदवा गांव पहुंचे हैं। जांच अधिकारी AK सूर्यवंशी पहुंचे निपानिया सहकारी समिति। बड़ी खबर जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर बता दें कि किसान ने सोसाइटी कर्मचारियों से मिलकर घोटाला किया था। धान घोटाले से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं, कोनी धान उपार्जन केंद्र में फर्जी तरीके से धान को बेचा गया था। बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ एक बार फिर बता दें कि INS 24/7 की खबर का असर यहां पे दिख रहा है। जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुलसीराम जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। जी तुलसी, बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे INS 24/7 की खबर का असर जो हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है? जी एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जहाँ धान को लेकर घोटाले का एक बड़ा मामला यहाँ पे सामने आया है। इसी के साथ ही एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर जो यहाँ पे सामने आ रही है, जिसमें INS 24/7 की खबर का असर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है। बता दें कि जाँच के बाद इसमें आगे किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक बार फिर आपको बता दें। चलिए इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुलसीराम जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। जी तुलसी, बताइए कि यहाँ पे INS 24/7 की खबर का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन किस तरीके से जांच यहाँ पे किए जा रहे हैं? जी आपको बता दूं, ये जो पूरी खबर है निपनिया का है, आप निपनिया कोदवा का है। जैसी INS में खबर प्रकाशित हुई 22 लाख धान घोटाले वाले मामले में कलेक्टर ने जो संज्ञान में लिया, कलेक्टर संज्ञान में लेते हुए जिले के अधिकारी AK सूर्यवंशी को जांच के लिए भेजा गया है निपनिया। आपको बता दें कि जांच अधिकारी निपनिया पहुंचे हुए और उन्होंने जो वहां कंप्यूटर ऑपरेटर और जो संबंधित अधिकारी है उनसे बैठ कर जाँच करे कि आखिर ये पंजीयन हुआ कब, किनके माध्यम से हुई, अगर सहमति मिली है तो नहीं मिली है, ये सबकी जाँच कर रहे हैं। जांच करने के बाद अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो अधिकारी का कहना है कि अभी हम जांच करें, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पंजीयन कब हुआ है। केवल कि 2021-22 और 2020-21-22 केवल दो ही साल बस धान बेचा गया है या और पहले भी धान बेचा गया है? जी तुलसी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसके आगे अब देखने वाली बात होगी कि जाँच के बाद किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाती है।